न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बुट्टीबोरी दोहरे हत्याकांड में चार में से दो भाई गिरफ्तार। ग्रामीण पुलिस ने बुट्टीबोरी दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश 24 घंटे के भीतर कर मृतक के दो भाइयों समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विजय मगर के अनुसार मृतक उत्तम पोखड़े का सविता परगाम के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण उसके भाइयों को अपनी शादी तय करने में परेशानी हो रही थी। सविता के साथ अपने भाई उत्तम के अवैध संबंधों के कारण भाइयों को कथित तौर पर शादी के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे। भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर भी विवाद चल रहा था, इसलिए भाइयों ने साजिश रची और उत्तम और सविता को मार डाला। एसपी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आरोपियों की पहचान बिहाड़ी निवासी राहुल सुरेश बोकड़े, खुशाल सुरेश बोकड़े, विजय वसंतराव भोकड़े और करंजा दागड़े निवासी आकाश अशोक राउत के रूप में हुई है। आरोपी राहुल और खुशाल बिहाड़ी निवासी मृतक उत्तम सुरेश बोकड़े के भाई है। पुलिस ने आगे बताया कि सोनेगांव मुस्तफा निवासी सविता गोवर्धन परलाम उत्तम की कृषि भूमि पर काम करता था। उत्तम शादी के एक साल के भीतर ही सविता के साथ गांव छोड़कर भाग गया। तब से दोनों नागपुर में किराए के मकान में रह रहे थे। इसके बाद उत्तम की पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया। बाद में उसके माता पिता ने एक अन्य व्यक्ति के साथ उसकी शादी के बंधन में बंध दिए। उत्तम के सविता के साथ अवैध संबंध के कारण आरोपी राहुल और विजय को अपनी शादी तय करने में समस्या आ रही थी। स्थिति से निजात पाने के लिए भाइयों ने उत्तम को खत्म करने की साजिश रची। राहुल ने उत्तम को फोन किया और एक संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए उन्हें अपने गांव बिहाड़ी में आमंत्रित किया। उत्तम और सविता बुधवार को मोटरसाइकिल से बिहाड़ी के लिए निकले। चारों आरोपियों ने दंपत्ति से बाजार गांव के पास मुलाकात की और उनसे टवेरा वाहन में बैठने को आग्रह किया। चलती कार में आरोपी ने उत्तम और सविता का रस्सी से गला घोंट दिया। पुलिस ने कहा कि शव को बुट्टीबोरी के पास वेना नदी के एक शिलाखंड से बांधकर फेंक दिया गया था। ग्रामीण पुलिस ने बुट्टीबोरी दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश 24 घंटे के भीतर करके मृतक के दो भाइयों समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विजय मगर के अनुसार मृतक 31 वर्षीय उत्तम बोखड़े का 38 वर्षीय सविता परमार के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण उसके भाइयों को अपनी शादी तय करने में परेशानी हो रही थी। सविता के साथ अपने भाई उत्तम के अवैध संबंधों के कारण भाइयों को कथित तौर पर शादी के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे। भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर भी विवाद चल रहा था, इसलिए भाइयों ने साजिश रची और उत्तम और सविता को मार डाला। एसपी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आरोपियों की पहचान बिहारी निवासी 27 वर्षीय राहुल सुरेश बोखड़े, 29 वर्षीय खुशाल सुरेश बोखड़े, 30 वर्षीय विजय वसंतराव बोखड़े और करंजा घाड़गे निवासी 24 वर्षीय आकाश अशोक राउत के रूप में हुई है। आरोपी राहुल और खुशाल बिहारी निवासी मृतक उत्तम सुरेश बोखड़े के भाई हैं। पुलिस ने आगे बताया कि सोनेगांव मुस्तफा निवासी 38 वर्षीय सविता गोवर्धन परमार उत्तम की कृषि भूमि पर काम करता था। उत्तम शादी के एक साल के भीतर ही सविता के साथ गांव छोड़कर भाग गया। तब से दोनों नागपुर में किराए के मकान में रह रहे थे। इसके बाद उत्तम की पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया। बाद में उसके माता पिता ने एक अन्य व्यक्ति के साथ उसकी शादी करा दी। उत्तम के सविता के साथ अवैध संबंध के कारण आरोपी राहुल और विजय को अपनी शादी तय करने में समस्या आ रही थी। स्थिति से निजात पाने के लिए भाइयों ने उत्तम को खत्म करने की साजिश रची। राहुल ने उत्तम को फोन किया और एक संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए उन्हें अपने गांव बिहाड़ी में आमंत्रित किया। उत्तम और सविता बुधवार को मोटरसाइकिल से बिहाड़ी के लिए निकले। चारों आरोपियों ने दंपत्ति से बाजार गांव के पास मुलाकात की और उनसे टवेरा वाहन में बैठने का आग्रह किया। चलती कार में आरोपी ने उत्तम और सविता का रस्सी से गला घोंट दिया। पुलिस ने कहा कि शवों को बुट्टीबोरी के पास वेना नदी में एक शिलाखंड में बांधकर फेंक दिया गया था। हत्या का खुलासा गुरुवार को हुआ। बुट्टीबोरी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शवों की शिनाख्ती के बाद पुलिस को उत्तम के एक पड़ोसी से पता चला
कि वहीं सविता के साथ अपने गांव में संपत्ति का मामला सुलझाने के लिए मोटरसाइकिल पर नागपुर से निकला था। सुराग ने पुलिस को पूछताछ के लिए उसके भाइयों को पकड़ने में मदद की। भाइयों ने हत्या करना स्वीकार किया है। दोहरे हत्याकांड का मामला पीआई एलसीबी ओम प्रकाश ओकोकाटे, बुटीबोरी पीआई भीमाजी पाटिल, एपीआई राजीव करमलवार, अनिल राउत और जितेंद्र वरागड़े ने एसपी विजय मगर, अतिरिक्त एसपी राहुल मकनीकर और एसडीपीओ पूजा गायकवाड़ के मार्गदर्शन में सुलझाया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।